दोस्तों इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम वीडियो पोस्ट की रिगार्डिंग विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी थी आपकी स्टेट की वैकेंसी है यूपी की, और इसका जो वैकेंसी आया था 2018 में आया था और एग्ज़ाम हो गया था, फाइनल रिज़ल्ट आ गया था 25 अगस्त 2019 को फाइनल रिज़ल्ट आ गया। तो बच्चे 2 साल से रिज़ल्ट की ज्वाइनिंग के बाद ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे और अब आकर के इस पूरी वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया है। शाम से टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे लोगों के, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया था और 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे, एक सेकंड में ही खुशियां जो थी मातम में बदल गई। और अभी सीजीएल का भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो और ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई है, बहुत सारे लोग इसको सीजीएल 18 से जोड़, तो बहुत सारी चीज़ें और दिक्कतें में दिक्कत पैदा कर दिया लोगों के लिए। तो पहली बात तो जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर रहे हो इसके रिगार्डिंग, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैं बता दूँ आपको कि मैं डेली लाइव आ रहा हूँ अपने वो अनअकैडमी पर, डेली आ रहा हूँ 5 से 6 घंटे डेली 31 मार्च तक रोज़ रह रहा हूँ मैं लाइव। रीज़न यही रह रहा है कि लोगों के बड़े सारे सवाल आ गए हैं यार, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतनी ज़्यादा एनजाइटी लोगों के अंदर पैदा हो गई है सीजीएल के रिज़ल्ट के रिगार्डिंग। पता है कि कब आएगा, जब आएगा ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं डेली सुबह दोपहर शाम डेली टाइम मिल रहा हूँ, मैं आपको 2 घंटा सुबह मिल रहा हूँ, टाइमिंग आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और आप एसएससी प्रीवियस कोड का यूज़ करके फ्री में देख सकते हो। और आप वहाँ पर लाइव जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, आप मिल के बात कर सकते हो, कोई वह बात नहीं है। ऐसे यूपीएससी का कोर्स चल रहा है आपका, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफिसर चल रहा है आपका, आप चाहो तो ये ले सकते हो एसएससी प्रीवियस कोड का यूज़ करके, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो तो ठीक है। तो ये था कहानी इसकी वीडियो की, और कारण क्या रहा है कि क्यों इसको स्क्रैप कर दिया गया है, मैंने लोगों से पूछा क्योंकि मैंने तो दिया नहीं था, तो बच्चों ने बताया कि एसआईटी की जांच चल रही थी इस पर कि इसमें कुछ पाई गई है कि चीटिंग वगैरह इररेगुलरिटी पाई गई है, और इसकी वजह से इसको 2 साल से इसकी जांच हो रही थी और एसआईटी ने जो जाँच करा उसमें पाया है कि इसमें धांधली है, इसमें कुछ चीटिंग वगैरह हुई है, इसकी वजह से फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद कैंसिल कर दिया गया। तो यार इसके दोनों ही एस्पेक्ट हैं कि अगर जो लोग चीटर्स थे उसकी वजह से तो चलो जो जेन्युइन है उनको जो नौकरी मिलेगी, लेकिन मानिए कि उसमें से जो लोग जेन्युइन रहे होंगे, और बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं ना उसमें, ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी वो आपके चीटर ही भरे पड़े हैं, तो उनके लाइफ पर क्या असर पड़ा होगा आप एक बार सोच के देखेंगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा, है कि नहीं आपका। तो मजाक सा ही है आप, और ऐसा भी नहीं कि तुरंत 3-4 महीने की बात है कि बेचारों की 3-4 महीने के बाद रिजल्ट आ गया है तो 3-4 महीने ख़राब हुए। आप देखिए तो 18 से लेकर के 21 आप सीजीएल समझ लीजिए, आप इस पोस्ट को सीजीएल से कंपेयर कर सकते हो कि 18 में आपने सीजीएल दे रखा है और उसका रिज़ल्ट आपका 21 आ रहा, कुछ ऐसा ही सीन है कि लास्ट में आकर उन्होंने वैकेंसी ही कैंसिल कर दी कि अब दोबारा से ही एग्ज़ाम होगा, दोबारा शुरुआत से करा जाएगा, अब कोई गारंटी थोड़ी है कि जिनका हो गया था फिर से हो जाएगा। और अब वही सा ही माइंड सेट, बीच में कोरोना आ गया और फिर लोगों की कहानी बदल गई पूरी, लोग कितना होप लगा के बैठे हुए थे, क्या हो रहा है, नेगेटिविटी और पे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है लोगों की। कोई बात नहीं, आपको नेगेटिव होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो लोग सीजीएल 18 का रिजल्ट का वेट कर रहे हो फ्राइडे तक का होप है आ जाए, कोई भी तरह की दिक्कत है, किसी तरह की नेगेटिविटी, आप लाइव सेशन में ज्वाइन आके अपने आप को फ्री मत रखो, आप अपने आप को बिजी रखो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो लोगों से बात करिए, अपने मन को बहलाइए, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, आप अपने आप को फालतू में परेशानी में डाल सकते हो, और घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, है ना। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ उलटपटांग तरह की चीज़ें, 75 तरह की चीज़ें यार, मतलब ऐसे ऐसे लोगों के ख्याल आ रहे हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं आपको। तो कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, अगर रिज़ल्ट आता है तो जैसा भी होगा अच्छा ही होगा, सभी के साथ अच्छा होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है।